तो आप ये बताओ मुझे कमेंट करके कि आप में से कौन कौन गांव से बिलोंग करता है और किस चीज को दूध निकालना आता है भैंस का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर आ चुके हैं हम दवा का स्प्रे करने के लिए और बहुत सारी तरह तरह की दवाएं हैं सोयाबीन में और धान में। दो टैंक में 12 बजने वाली है, तीसरा टैंक छिड़कने की बारी है। गिलास निकला इसमें 20 रुपया। तो दोस्तों, तीन टैंकर को स्प्रे करने में हमें 1 बज गए। यहाँ पे अभी जा रहे हैं घर पे, इसके बाद एक टैंकर और छिड़का जाएगा। और ये देखो हमारा रूप टॉप, ये देखो रूप टॉप। देखो भाई, मिस्टी कटिंग हो चुकी है आज। कैसी लग रही है मिस्टी? बढ़िया लग रही है, गंजी गंजी लग रही है। तो अभी हम आ चुके हैं नीमी चंद जी के दवा का स्प्रे करने के लिए। नीमी चंद जी बताओ कौन कौन सी दवा लेके आए हो? नीमी चंद जी, ये क्रोटेन 1400 रुपए की आती है, किल्लियां मरने में सहायक होती है। देख लो भाई साहब, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत भी हो जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाता है। मेहनत करने की कोई शर्म थोड़ी होती है, काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो। शाहरुख खान ने भी कहा है कि अमित जान कहा करती थी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। ये 2001 सोयाबीन 95/60 की किस्म है। इसमें यहाँ बनना स्टार्ट हो चुकी है अभी, लेकिन इल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा खा रखी है पत्तों को देखो, क्योंकि ये देर से स्प्रे कर रही है। बाकी सोयाबीन बहुत शानदार है, एक नंबर है, टॉप है। इतनी हाइट है इसकी इतनी, ये देखो नीमी चंद जी चेक कर रहे हैं सोयाबीन को। देखो ये काश खा रहे हैं, ये टाइम लगा दिया दवा का स्प्रे करने में इन्होंने। देखो भाई साहब, इल्लियाँ लगी हुई है, ये बहुत सारी इल्लियाँ हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा इल्लियाँ हैं। ये देखो लड़का फंवारा, एक नंबर चलाता है ये, दान में स्प्रे करने में भी एक्सपर्ट है ये लड़का। देखो भाई साहब, इल्ली इतनी बड़ी इल्ली है, मेरी एक उंगली है ना उसके बराबर की इल्ली है ये। या 6:01 हो चुके हैं और अभी हम नहा धो के हो चुके हैं तैयार, हम नहीं मतलब मैं, और मिष्टी खा रही है यहाँ पे चावल। टकर टकर देखते हो क्या, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे। भाई तेरा झुकेगा नहीं शेला। सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए वीडियो बनाने के चक्कर में। दोस्तों 6:58 हो चुके हैं और हमारे भैंस आ चुके हैं, तो भी हम दूध निकालेंगे। तो आप ये बताओ मुझे कमेंट करके कि आप में से कौन कौन गांव से बिलोंग करता है और किस चीज को दूध निकालना आता है भैंस का। बच्चे क्या कर रहा है? कपड़े की घड़ी कर रहा है तू? अच्छा, आती है तेरे को? सो दोस्तों, लाइट जा चुकी है और हमारा खाना पीना हो चुका है अभी। तो दोस्तों, आज सोनू की लड़की का बर्थडे है, तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ मैं, तो चलिए चलते हैं। बर्थडे मन चुका है भाई साहब, बर्थडे मन चुका है अभी। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।